नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने इतिहास रचा है और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। ऐसे में जब पूरी दुनिया पर एक महामारी छाई हुई है, आर्थिक संकट आया हुआ है, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट धराशायी हुए पड़े हैं, जितने बड़े बड़े आर्थिक संस्थान थे सब टूट गए हैं, ऐसे में भारत ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया अपने इतिहास में, नहीं पूरी दुनिया में हमने एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। हालांकि कोरोना और ये आर्थिक संकटों के बीच ये खबर कहीं दबकर रह गई, लेकिन मैं आपको ये पूरी डिटेल देने वाला हूँ। जी हाँ, अब हमारे साथ इस चैनल पर इस वीडियो पर बने रहिएगा, एंड तक आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने दो वीडियो बनाई थी सुबह, लेकिन शायद वो वीडियो लेट आई थी, इसलिए बहुत से लोगों ने देखा है कि स्काईफॉल मिसाइल की है, जिसकी अनलिमिटेड रेंज है, वो जरूर देखिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। दूसरी वीडियो है इंडिया वर्सेस चाइना एयरफोर्स, तो वो भी आप देख लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। वो लेट आई थी थोड़ी, 3 से 4 घंटे, तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने मिस कर दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं कि भारत ने ऐसा कौन सा मुकाम हासिल किया है। दरअसल भारत दुनिया का इस समय 5वां सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व धारक देश बन गया, यानी कि हमारे पास भारत 5वां सबसे बड़ा देश है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। जी हाँ, भारत 5वीं महाशक्ति, हमने 2 देशों को पछाड़ा है। भारत यहाँ पर पहले 7वें या 8वें नंबर पर रहता था, कभी कभी 9वें पर रहता था, भारत तुरंत 5वें पर गया है। और इसमें 2 देशों को हमने जो पछाड़ा है वह है हांगकॉन्ग, ताइवान, और अगला नंबर है सऊदी का। सऊदी से हम बिल्कुल बहुत ही थोड़ा पीछे हैं। कहा जा रहा है कि अगले 1-2 महीने में, एक ही महीने बल्कि आप ये देखिएगा कि मई के शुरुआत में ही या फिर अप्रैल के एंड में हम सऊदी को पछाड़ देंगे, क्योंकि सऊदी के फॉरेन रिजर्व बढ़ने की कोई आशंका है ही नहीं है। क्योंकि एक तो उसके साथ सऊदी का और रूस का जो ऑयल प्राइस वार चल रहा है, उसमें लगातार सऊदी की जो डॉलर जो उसके वहाँ पर है वो लगातार घट रहे हैं, भारत का बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो हमारे तेल के पैसे बच रहे हैं, दूसरी बात हमारे यहाँ पर जो विदेशी कामगार पैसे भेजते हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ी है, और भारत का एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा है, चाहे वो डिफेंस एक्सपोर्ट हो, चाहे वो वैसा जो नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है वो भी हो। भारत का कितना बढ़ा है, हमने पहली बार अपने इतिहास में जब से हम आज़ाद हुए हैं $487 बिलियन का मार्क छुआ है। कितनी बड़ी रकम है मैं आपको बता देता हूँ। इस समय पाकिस्तान के पास $7 अरब है, तुर्की के पास करीबन $40 अरब है, भारत के पास कितने हैं, $487 अरब। बहुत मैसिव इनकम है, बहुत बड़ी, आधा ट्रिलियन आप सोच लीजिए। कम से कम आपको बता दूं, दुनिया में 50 देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी टोटल इसके बराबर नहीं है, जितने भारत के पास ये फॉरेन रिजर्व हैं, इतने हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है इतना, बहुत से देशों की इसके कम से कम 30 देश ऐसे हैं जिसकी इसके आधी भी इकोनॉमी उनकी टोटल नहीं है। सोचिए भारत ने कितना बड़ा मुकाम ये हासिल किया। लेकिन बहुत सी जो दूसरी कोरोना की न्यूज़ थी और दूसरी न्यूज़ थी, उनकी वजह से हुआ क्या कि ये न्यूज़ दबकर रह गई, लेकिन ये एक बड़ी मैसिव अचीवमेंट है भारत की। और अब हम, और वो भी ऐसे समय में, आपको बता दूं कि जो चीन का $8 बिलियन घटा है, भारत का करीबन $7.5 अरब बढ़ा है फॉरेन रिजर्व। चीन का घटा है क्योंकि कोरोना वायरस वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला है, लेकिन भारत सरकार ने जिस हिसाब से इस महामारी को कंट्रोल किया है उसका फायदा यहाँ आपको दिख रहा होगा। बहुत से लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में सभी देश क्या पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है कि इतनी बड़ी आबादी है और हमने कितने अच्छे से इसे कंटेन करके रखा है, और जिसका फायदा हमारी इकोनॉमी को आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही 2 वीडियो जो डाली मैंने, इंडिया वर्सेज चाइना एयरफोर्स, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा स्काईफॉल मिसाइल, बहुत जबरदस्त मिसाइल है, दुनिया की सबसे खतरनाक अनलिमिटेड रेंज के साथ। जी हाँ, वो भी जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिए ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट यहाँ पर मिलता रहे। वीडियो एक बार से धन्यवाद। थैंक यू नॉट वॉचिंग वीडियो।